दोस्तों सबसे पहले हम काइन मास्टर ओपन कर लेते हैं, OMT प्रोजेक्ट से लेकर के मीडिया ब्राउजर में जाके अपना वीडियो क्लिप जिससे हम ऑब्जेक्ट को रिमूव करने वाले हैं यानी कि बाहुबली को रिमूव करने वाले हैं उस क्लिप को ले लेते हैं। और जौन सा क्लिप हमें जो है यूज़ करना है यानी कि रिमूव करना है वो ये क्लिप है, तो इसको जो मैं आज रिमूव करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो का जो एक्स्ट्रा पार्ट है यानी कि आगे पीछे का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम ट्रिम कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद में लेयर को सिलेक्ट करके स्टार्टिंग में ले जाते हैं और स्क्रीन कैप्चर वाले मोड में ला के कैप्चर एंड सेव में से क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला फ्रेम का स्क्रीन कैप्चर हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों हम ओपन करेंगे इरेजर एप्लीकेशन, तो इसको चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, तो इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जो है लोड इमेज में लेके हमने जो स्क्रीन सेव किया था उस इमेज को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से डन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से मैनुअल मोड में हम इसका जो है जो बाहुबली का है उसको रख के उसका जो साइड है हम उसको इरेज कर देते हैं। दोस्तों हमारा जो है बैकग्राउंड इरेज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम डन पे क्लिक करके इस इमेज को सेव कर लेते हैं और इसके बाद में एक एप्लीकेशन और ओपन करते हैं जिसका नाम है फोटोशॉप टच। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो मैं इसका लिंक जो है आपको दे दूंगा। तो इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ से जो हमारा इरेज किया हुआ जो इमेज है उसको हम इरेजर साइड से ओपन कर लेते हैं। यहाँ से प्लस के आइकॉन में क्लिक करके एक एम्प्टी लेयर सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ ऊपर आपको एंड का साइन मिलेगा, यहाँ से फिल एंड स्टॉप सिलेक्ट कर लीजिए और कलर जो है ग्रीन सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ लेफ्ट साइड आपको ऊपर में मैजिक टूल का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक कर लीजिए और उसके बाद में नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एक बार क्लिक कर देंगे तो इस तरह से जो है एक स्ट्रोक आ जाएगा। इसके बाद में ऊपर वाला लेयर सिलेक्ट करने का पेन के ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से क्लियर कर दीजिए, तो इस तरह से जो है हमारा हो जाएगा। थोड़ा सा जो पार्ट रह गया है तो लेफ्ट साइड के ये में जाने के बाद में यहाँ से इरेजर से थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा पार्ट हम इसको कट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों नीचे वाला जो लेयर है इसको डिसेबल कर देते हैं, ऊपर वाला लेयर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से इसको फाइल को हम सेव कर लेते हैं। सेव टू गैलरी में जाने के बाद में PNG फाइल सिलेक्ट करने के बाद में जो इमेज है उसको हम सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं यानी कि तो हमारा जो इमेज है वो सिलेक्ट हो गया। इसके बाद में हम काइन मास्टर ओपन कर लेते हैं। यहाँ से लेयर में जाने के बाद में उसी इमेज को जो फोटोशॉप टच में से हमने किया था उसको इम्पोर्ट करने के बाद में इसको स्क्रीन टू फिट स्क्रीन में फिट कर देते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से और इसको जो है अब एनिमेशन देने की बारी है, तो लेफ्ट साइड में की का ऑप्शन है, यहाँ से जो है शुरू में लेके जाने के बाद में इसको जो है आप एनिमेशन दे दीजिए। जैसे जैसे आपका जो वीडियो होगा तो सही से इसको एनिमेशन दे दीजिए। दोस्तों हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। राइट पे क्लिक करने के बाद में इसको एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं हमारा एनिमेशन कैसा बना है। तो एनिमेशन ठीक हो गया। इसके बाद में दोस्तों शेयर के ऑप्शन में क्लिक करके हम इस वीडियो को सेव टू गैलरी में शेयर कर लेते हैं। जिस तरह का आपका मोबाइल सपोर्ट करेगा उस फाइल में जो है आप इसको सेव कर सकते हैं। तो हमारा जो वीडियो फ़िलहाल सेव हो रहा है और उसके बाद में दोस्तों हम फिर से एक और एप्लीकेशन जो है हम ओपन करेंगे जिसका नाम है टच रिटच। और इस एप्लीकेशन ये भी जो एप्लीकेशन है आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा या मिलेगा पता नहीं, मगर देख सकते हैं या फिर कमेंट कर कीजिए, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ से ओपन करने के बाद में एल्बम में जाके जो हमने कैप्चर किया था पहले काइन मास्टर से उस इमेज को इंपोर्ट कर लेने के बाद में यहाँ से जो है ऑब्जेक्ट रिमूव का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करके आप जो है बाहुबली के ऊपर में इस तरह से पूरा जो है मास्क कर लीजिए। दोस्तों हमारा जो मास्किंग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में गो के ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए और ये एप्लीकेशन जो है आपको प्रभास यानी कि बाहुबली को रिमूव कर देगा। इसको जो है अब हमको सेव करना है, तो यहाँ ऊपर के ऑप्शन में क्लिक कीजिए और गैलरी में क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो है इमेज सेव हो गया। इसके बाद में काइन मास्टर ओपन कर लीजिए और यहाँ से बैक कर लेते हैं हम और फिर से एक एम्प्टी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद में सबसे पहले हम जो है मीडिया ब्राउज़र में जाके एक बैकग्राउंड जो है कोई भी कलर का बैकग्राउंड जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ब्लैक कलर जो है ले लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में फिर से स्टार्टिंग टाइम लेयर में जाने के बाद लेयर सिलेक्ट कर लेते हैं और मीडिया ब्राउज़र से हमने जो टच रिटच एप्लीकेशन से बैकग्राउंड बनाया था उस इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको स्क्रीन में हम फिट कर देते हैं। और इसके बाद में दोस्तों हम जो है
राइट क्लिक कर देते हैं और फिर से हम लेयर में जाने के बाद में वीडियो मीडिया ब्राउज़र से हमने जो काइन मास्टर्स में एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं और उसको भी स्क्रीन में फिट कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद में हमारा जो वीडियो है हमने एक्सपोर्ट किया था उसको हम क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं और उसका क्रोमा की जो है इनेबल कर देते हैं और क्रोमा की जो है इस वीडियो को कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद में उस वीडियो को जो है हम सिलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको जो है अल्फा ओपेसिटी का ऑप्शन मिलेगा, इसको लो कर देते हैं ताकि हम जो है अपना बैकग्राउंड इमेज जो है उसको हम एनिमेशन दे सकें। तो यहां से आप देख सकते हैं तो नीचे फिर इसके बाद में हमने जो बैकग्राउंड इमेज लिया था उसको हम एनिमेशन दे देंगे। तो यहां से जो है इस तरह से आप देख लीजिए और इसको जो है लास्ट फ्रेम में ले जाने के बाद में हमारा जो इमेज है जितना इसमें सेट होना चाहिए उस तरह से परफेक्टली जो है हम इसको इस तरह से सेट एनिमेशन दे देते हैं। तो दोस्तों हमारा जो है एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद में हम राइट क्लिक करके इसको जो है ओके कर देते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम अपना जो वीडियो लेयर सिलेक्ट किया उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका ओपेसिटी जो हमने कम किया था तो उसको जो है हम फुल कर देते हैं और एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं हमारा वीडियो कैसा बना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है फिलहाल हमने जो है प्रभास को रिमूव कर दिया है तो थोड़ा सा जो है प्रभास का जो फेस है वो नज़र आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा एनिमेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो चलिए इसको जो है सेव कर लेते हैं और आपसे यही गुजारिश करूँगा कि एनिमेशन देने टाइम आपको जो है परफेक्टली ये सब चीज़ों का ध्यान देना है। तो हमारा जो है वीडियो कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद में फिर से एम्प्टी लेयर हम सिलेक्ट कर लेते हैं और मीडिया ब्राउज़र में जाने के बाद में एक्सपोर्ट में वो वीडियो को ला लेते हैं और अपना जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो जो हमने शूट किया है उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे भाई मोहम्मद आलम भाई वीडियो है जिसको हमने शूट किया था और इसको जो है हम यहाँ पे एडिट करने वाले हैं। तो बाकी का जो प्रोसेस है आप इस वीडियो में देख लीजिए और अपना वीडियो जो है इस तरह से आप बना सकते हैं।